हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि अभी मैं डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आपको उसका मैसेज आ जाएगा, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर, आर डी शर्मा बुक से एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि पेज नंबर 1.38 पर, 7 नहीं, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। तो कोई सेमिनार हो रहा है जहाँ पे 3 टाइप्स के पार्टिसिपेंट है, कोई हिंदी में, कोई हिंदी वाला है, कोई इंग्लिश वाला है, कोई मैथ्स वाला है, 3 टाइप्स के पार्टिसिपेंट है वहाँ पे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बींग इन द सेम सब्जेक्ट। तो यहाँ पे उस तरफ इन सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको अरेंज कैसे करना है कि आपको यहाँ पे बताना है, नंबर ऑफ रूम्स बताना है, लेकिन रूम्स में जो पार्टिसिपेंट है वो कैसे रहेंगे कि एक तो सेम नंबर के होने चाहिए, सारे रूम में सेम पार्टिसिपेंट होने चाहिए, यानी अगर 10 कमरे हैं, 10 में अगर 10 स्टूडेंट है तो सारे रूम में 10 स्टूडेंट ही आएंगे, 12 है तो 12 स्टूडेंट ही आएंगे, और सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, यानी कि सारे हिंदी वाले, एक हिंदी वाले के जितने भी ग्रुप यहाँ पे बनते हैं 60, यहाँ पे 60 हिंदी वाले, तो जितने भी ग्रुप बनेंगे बट एक रूम में सारे हिंदी वाले होंगे, फिर जितने भी रूम बनेंगे उनमें इंग्लिश वाले भी सेम में होंगे, एक ही रूम में एक ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे और सेम नंबर के स्टूडेंट्स होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन, जब ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम जब मैंने आपको करवाया था, ये HCF और LCM से रिलेटेड इस तरह के जो क्वेश्चन है, तो उसमें ये कंफ्यूजन है कि हम क्वेश्चन को पढ़ के कैसे पता लगाएं कि इसमें हमें HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है। तो जब भी आपको HCF फाइंड करना होगा तो क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, ये आपको गिवन होगा, मतलब ज्यादा वाला वर्ड आपको गिवन होगा, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, इस तरह के वर्ड आपको गिवन होंगे। और अगर हमें LCM फाइंड करना है तो आपको मिनिमम वर्ड गिवन होगा, या फिर आपको कोई ऐसा काम होगा जो एक साथ स्टार्ट होकर एक साथ खत्म हो रहा है, जैसे 3 जो साइकिलिंग कर रहे हैं वो एक पॉइंट से स्टार्ट होंगे और वो सर्कल में जा रहे हैं, फिर वो वापस कब मिलेंगे, कोई भी काम एक साथ स्टार्ट होके वापस कब वो एक साथ खत्म करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हमें LCM फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ मिनिमम हमें गिवन है तो हमें यहाँ पे LCM फाइंड करना है, बट रॉन्ग। यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हमें यहाँ फाइंड करना है, बट हमें जो डेटा गिवन है वो रूम्स का नहीं है, ये 60, 84 और 108, इसीलिए कह रहे हैं क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। ये जो हमें यहाँ पे नंबर्स गिवन है वो रूम्स के नहीं है, वो नंबर्स हमारे किसके हैं, पार्टिसिपेंट्स के हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कब होंगे, जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट रहेंगे, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तब रूम्स के नंबर क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर जो डेटा है वो पार्टिसिपेंट्स का गिवन है, वो मैक्सिमम होंगे तब रूम हमारे मिनिमम होंगे। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हमें वो डेटा बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमें यहाँ पे इसमें रूम के अंदर रखने के लिए चाहिए, तब रूम मिनिमम होंगे। तो क्यों एक्चुअल में यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, पार्टिसिपेंट्स क्या होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। तो हम यहाँ पे इन डेटा का क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि हम HCF क्यों फाइंड करें, कि इन दिस प्रॉब्लम वी नीड टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, द नंबर ऑफ रूम्स विल बी मिनिमम इफ ईच रूम अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा। सिंस इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू बी सीटेड, क्योंकि सारे जो हर एक रूम में सेम नंबर के पार्टिसिपेंट होने चाहिए, हिंदी है तो हिंदी के होने चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश के होने चाहिए, एंड ऑल ऑफ देम मस्ट बी ऑफ सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हमारा होगा जो हमें यहाँ पे डेटा गिवन है उसका हम फाइंड करेंगे HCF। तो मैं यहाँ पे फैक्टर बना लेती हूँ, तो 60 का फैक्टर हमारा हो जाएगा, साइड में आप फैक्टर बना लो, 60, 2 के टेबल में 60 आया 30 टाइम, फिर 2 के टेबल में 30 आया 15 टाइम, अब 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आया 5 टाइम, फिर 5 के टेबल में आया 1 टाइम। तो 60 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3 × 5। नेक्स्ट हम यहाँ पे फैक्टर बना लेते हैं, नेक्स्ट नंबर इज 84, 2 के टेबल में 8 आया 4 टाइम, 4 आया 2 टाइम, फिर 2 के टेबल में 4 आया 2 टाइम, 2 आया 1 टाइम, तो 3 के टेबल में आएगा 21, 7 टाइम, 7 टाइम 1। तो ये हमारा हो गया 84 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 7 हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया 108, तो 108 के हम यहाँ फैक्टर बना लेते हैं, 2 के टेबल में आएगा 10, 5 टाइम, 8 आया 4 टाइम,
फिर टू के टेबल में 5 नहीं आएगा तो 4 आएगा 2 टाइम, 14 हो गया 7 टाइम, 3 के टेबल में 27 आया 9 टाइम, 3 के टेबल में 9 आया 3 टाइम, 3 टाइम और 1, तो ये फैक्टर हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, जो भी नंबर HCF हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस C का मतलब समझ लो कॉमन, तो जो भी नंबर है वो तीनों में कॉमन होना चाहिए और लीस्ट पावर वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे HCF हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 की पावर 2 है, चलो हम पहले इसको पावर में लिख देते हैं, 2 यहाँ 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 हो गया, 3 और 5 की पावर यहाँ कितनी होगी 1, क्योंकि 1 टाइम है। फिर यहाँ अभी हमारी 2 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 1 हो गई, 7 की पावर 1 हो गई, फिर इक्वल टू यहाँ 2 की पावर 2 हो गई और 3 की पावर 1, 2, 3, तो ये 3 हो गए। तो आपको देखना 2 हमारा कॉमन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन लीस्ट पावर कौन सी, चूंकि सब में पावर सेम है तो हम इसमें से कोई सा भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। फिर 3 देखो, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर 3 की लीस्ट पावर देखनी, तो लीस्ट पावर हमारी 3 की पावर 1 है तो यहाँ पे हम 3 की पावर 1 लिख देंगे। फिर 5 यहाँ है बट इन दोनों में नहीं है तो वो हम नहीं लेंगे, 7 यहाँ है बट इन दोनों में नहीं है तो वो हम नहीं लेंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो 2 पावर 2 यानी 2 × 2 × 3 यानी कि 4 × 3 = 12 हो गया, यानी HCF हमारा जो आंसर है इन तीनों नंबर का, HCF ऑफ 60, 84 एंड 108 = हमारा 12 हो गया। तो ये तो हमने बताया कि ये ईच नंबर में कितने स्टूडेंट जाएंगे, ईच रूम में कितने स्टूडेंट जाएंगे, एक कमरे में टोटल 12 स्टूडेंट जाएंगे, बट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। तो अब कितने रूम हमें चाहिए, अगर एक कमरे में 12 स्टूडेंट जाएंगे, 12 स्टूडेंट जाएंगे, तो रूम कितने चाहिए होंगे वो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, टोटल जितने भी स्टूडेंट है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ रूम्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे 60 + 84 + 108 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम, तो वो हमारे 12 है। तो जब हम तीनों को यहाँ पे ऐड करेंगे 252 आएगा डिवाइडेड बाय 12, 12 से आप सीधा डिवाइड कर दो, 12 के टेबल में 25 नहीं आता, 24 आता है, तो वो हो गया 2 टाइम, एक 1 बच गया 1 और 2 = 12, तो वो आ गया 1 टाइम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स हमें कितने चाहिए 21। तो फाइनल आंसर क्या, देयरफॉर 21 रूम्स रिक्वायर्ड। फाइनल आंसर आपको राइट करना है, कभी भी मिस नहीं करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया और LCM HCF में क्या डिफरेंस, कैसे फाइंड करने में डिफरेंस है वो समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।